दोस्तों बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एहसास आपके अल्फाज हमारे को, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू। हेलो गाइस। हेलो गाइस। आप ये रुक जाओ मेरे बेटा, जब अंकल कहेंगे तब बोलना, ठीक है? अब इस पर स्माइल करके सामने देखो, कैमरा के हॉल में देखो। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विद लोकेश गुप्ता। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा स्टूडियो पूरी तरह से फुल है हमारे खास मेहमान से। जी हाँ, आज हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खास मेहमान को अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। तो आइए उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और उसमें से खास बात यह है कि जो दो नन्हे मुन्ने मेहमान हैं, इन्हें आप कम मत समझिएगा, बल्कि ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाल है। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीनाक्षी अरोड़ा जी आपसे। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और साथ में कलश और किशिका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू। अच्छा मीनाक्षी, ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट हैं, और साथ में आपने कैरम की आप प्लेयर रही भी हैं, और अभी भी आपने शुरुआत की हुई है, और एथलीट भी हैं आप, तो किस तरह से आपने अपनी इस पैशन को परस्यू किया है, और कैसे आपने बच्चों को इतनी जो इनकी क्वालिफिकेशन है और जो इनकी एज है उसके हिसाब से जो ये एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि वो म्यूजिशियन हैं और ये बेबी मॉडल हैं, वो भी बेबी मॉडल हैं, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह से इस जर्नी की शुरुआत हुई? मैनेज तो फैमिली सपोर्ट, ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट करती है तो मैं उन्हें टाइम डिवोट कर पाती हूँ। बाकी शुरुआत तो मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट था, मैंने बचपन में स्टार्ट भी किया, लेकिन हमारे टाइम में इतने तो ना अपॉर्चुनिटीज थी, ना पेरेंट्स एक्सपोजर भी नहीं था, ना पेरेंट्स इतने कीन थे, ना हम इतने कीन थे। हमें लगता था पढ़ लें, जॉब लग जाए, बहुत है गर्ल्स के लिए, तो आई डिडंट परस्यू इट। तो व्हेन ही वाज 3 इयर्स ओल्ड तो मैंने अपने ही कैसियो से इसको सिखाया, ही कैच्ड अप वेरी फास्ट। तो फिर मैंने कहा इसको सिखाओ, ही हैज अ टैलेंट। तो इसने 3 साल की उम्र में सिंथेसाइजर स्टार्ट किया। अरे वाह। तो इन स्टार्टिंग नोबडी वाज मतलब सिखाने वाले भी नहीं ले रहे थे, बहुत छोटा है, नहीं सिखाएंगे, बट मेरे नॉन टू ने एक, मैंने कहा आप ट्रायल क्लास लो, इसको आता है, ऑलरेडी बजाना आता है। तो उन्होंने शुरू किया और इसने इतना अच्छा कैचअप करके दिखाया कि उन्होंने खुद ही बोला आप प्रयाग से इसका एग्जाम भरवा दो, ही इज डूइंग वेल। तो 4 ईयर में इसने आपकी प्रवेशिका भर दी। नाउ ही हैज डन 2 इयर्स बैक ही हैज कंप्लीटेड हिज 5th ईयर फ्रॉम प्रयाग। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फॉर 6th ईयर ही हैज टू वेट बिकॉज़ 6th ईयर ही कैन डू ओनली आफ्टर 10th। ही इज इन 8th नाउ। उसके बाद इज द एज क्राइटेरिया। हां या दैट इज द एज क्राइटेरिया। तो 5th ईयर इसका कंप्लीट हुआ कुछ फ्लूट में, हमने एक WCF हुआ था श्री श्री रविशंकर का, उसमें हमने वी बोथ पार्टिसिपेटेड फॉर हारमोनियम, बट वहाँ इसका क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, फ्लूट में इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा चलो फ्लूट सीखो, वो हमें नियर बाय मिल गया, ही स्टार्टेड फ्लूट। फिर फ्रॉम स्कूल ही स्टार्टेड तबला, गिटार सीखना है मुझे, तो उसने जो कहा वो मैंने सिखाया, एंड ही इज डूइंग ऑलमोस्ट। कहीं ना कहीं जो सपने आपके अधूरे रह गए थे, जिन सपनों को आप नहीं जी पाए, उन सपनों को आपने साकार किया अपने बच्चों के रूप में, उनको आपने वो सभी सुविधाएं दी, वो सभी फैसिलिटीज दी। मैंने रोका नहीं, मतलब ही वांटेड टू डू, तो आई नेवर सेड नो। अच्छा पॉजिटिव लाइन में लगे रहे बच्चे इस उम्र में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, तो एक पॉजिटिव लाइन पकड़ रहे हैं, व्हाई शुड आई से नो। और आपकी अपनी जो दिनचर्या है वो कैसे है, कि जैसे आप घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, और उसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि आप एथलीट हैं, कैरम प्लेयर रही हैं, तो उन सब के बारे में आपकी अपनी जो जर्नी है वो बताइएगा जरा हमारे। मेरा जॉब जो था वो पढ़ते पढ़ते ही लग गया, अभी मैं पढ़ी रही थी, जॉब लग गया, तो अपने जो थी जो पैशंस थे वो फॉलो ही नहीं किए, पढ़ाई उसके साथ साथ ही कंप्लीट करी। एज ए फार्मासिस्ट आई ज्वाइन इन दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। पढ़ाई खत्म हुई तो फिर पेरेंट्स को लगा अब शादी कर दो, पढ़ाई हो गई, जॉब लग गई, फिर शादी के चक्कर में पड़ गए, मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, तो अपने लिए तो टाइम नहीं मिला कहीं। ये इसके बाद म्यूजिक हमने किया, और जॉब में लगने के बाद स्पोर्ट्स में तो खैर मैं कभी भी नहीं थी, आई वॉज ऑलवेज गुड इन अकेडमिक्स, स्पोर्ट्स मैंने कभी नहीं किया, बट हमारे स्पोर्ट्स में जो गवर्नमेंट की टीम जाती है उसमें मेरे कलीग था एक जो कैरम खेलते थे, ही नीडेड ए पार्टनर
फॉर मिक्स डबल्स. उसने कहा मैम खेलो कैरम ही है, तो घर में भी आप खेलते फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड. तो बिफोर मैरिज तो अच्छा परस्यू किया, मैरिज के बाद फिर ब्रेक भी आया बीच में, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैंने दोबारा परस्यू किया. तो अब एवरी ईयर वी गो फॉर मतलब अपनी जीएनसीटी दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने. ओके, किस किस लेवल तक आप टूर्नामेंट खेल चुके हैं इसमें? अभी तक तो नेशनल्स तक ही गई हूँ. और कितने साल पहले से आपने ये शुरुआत किया था कैरम की जो आपने? आई स्टार्टेड उसको साल तो बहुत हो गए हैं. आई स्टार्टेड इन आई थिंक 2003 or 2004, बट देयर वाज अ बट देयर इज अ लॉन्ग ब्रेक इन बिटवीन. आफ्टर मैरिज देयर वाज अ ब्रेक व्हेन ही वाज देयर. उसके बाद 2014 में दोबारा ज्वाइन किया कि चलो अब बच्चा बड़ा हो गया करो. फिर ये हो गई, फिर देयर वाज अ ब्रेक. फिर हस्बैंड की डेथ हो गई, देयर वाज अ ब्रेक. उसके बाद फिर अभी ये थोड़ी सी बड़ी हुई है तो अब मैंने कहा अब मैं तुम सब कर रहे हो जो जो मैं भी करूंगी. बिकॉज ही इज डूइंग व्हाट ही वांटेड, ही इज आल्सो डूइंग व्हाट शी वांटेड. तो अब मैंने कहा अब जो जो किशिका करेगी वो मैं करूंगी साथ साथ, क्योंकि अब पीछे और कुछ नहीं है ना देखने वाला. तो एथलीट भी ऐसे ही ज्वाइन कर लिया मैंने. एथलेटिक्स भी आई हैव एथलेटिक्स तो आई हैव स्टार्टेड एट दिस एज ओनली बिकॉज कैरम के लिए टाइम ही नहीं मिलता. और एथलेटिक्स भी किसी ने कहा है एथलेटिक्स हो रहे हैं चलो, किसी फ्रेंड ने ही बोला. मास्टर्स आई फर्स्ट डिड लास्ट ईयर ओनली इन दिल्ली मास्टर्स. अच्छा जी. तो उसमें उम्मीद नहीं थी बट आई गॉट ए वन गोल्ड एंड वन ब्रॉन्ज. आराम से. तो फिर मुझे लगा कि चलो एथलेटिक्स भी परस्यू करो, कुछ नहीं भी हुआ तो अपनी फिटनेस तो है ही. ठीक बात है. तो अभी थोड़ा इंटरेस्ट बन गया खुद को फिट रखने के लिए. एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको परस्यू किया तो उसके अंदर भी कुछ अचीवमेंट्स वगैरह रही? अभी लास्ट ईयर मैंने किया था तो दिल्ली में आई गॉट वन गोल्ड एंड ब्रॉन्ज. तो उसी के बेसिस पे नेशनल्स भी खेल कर आई, फर्स्ट वुमेन नेशनल्स इन गोवा. बट वहाँ भी कुछ अचीव नहीं किया बिकॉज आई नीड मोर प्रैक्टिस. दिस ईयर वी सी. मीनाक्षी जी की इस तरह के सिचुएशन में और बच्चों के साथ घर को संभालते हुए, जॉब संभालते हुए, उसके बाद भी आप इतना इंटरेस्ट इस एज में दिखा रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है ना. और बेटू किशिका, आपका नाम क्या है बेटा? आपका ही पूछ रहा हूं मैं, आपका नाम क्या है बोलो, तेज से बोलो, बताइए. किशिका अरोड़ा. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटू आप? इनको आप कम मत समझिएगा. जब मैंने मीनाक्षी जी से रिक्वेस्ट की थी एहसास आपके अल्फाज हमारे कार्यक्रम के लिए, आप एक फ्रेंडली अपील का प्रोमो आप तैयार कीजिए, तो क्या हुआ था मीनाक्षी जी जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को कि किस तरह से शी केम इन टू पिक्चर. Yeah, she wanted to make her video also because I was practicing. It was first time for me. I got a request कि आप एक promo करो. तो मैंने बहुत दिनों के बाद time निकाल के मैंने start किया and I was three times, four times I was doing. क्योंकि first वाला तो मेरा fail हो गया था, आपको पसंद ही नहीं आया था. मीनाक्षी जी ने बहुत practice की और ये दोनों बच्चे उनको observe कर रहे थे और फिर इन्होंने बताया कि जब ये काफी देर से इन्हें watch कर रही थी तो इन्होंने खुद मम्मा को कहा कि मम्मा भेजा कि सर एक बार ये देखिए कि बेटी मुझे काफी देर से ऑब्जर्व कर रही थी तो मुझे सारे मेरे ख्याल में आपने 10-12 भेजे थे. पहले मैं भेज नहीं रही थी, मैंने ऐसे ही भेज दिया फॉर फन, जस्ट फॉर फन. आई डिडंट सेंड इट फॉर टेस्टिंग, आई जस्ट सेंड इट ऐसे ही. बट किशिका ने जितने आराम के साथ, जितना एंजॉय करते हुए उसको बोला तो वो प्रोमो भी हमने सिलेक्ट किया था. और मैंने तभी इनको प्रोमिस किया था कि जब भी मैं आपको एज अ स्पेशल गेस्ट इस प्रोग्राम में शामिल करूंगा, आपको मैं इनवाइट करूंगा, तो आप प्लीज अपने दोनों टैलेंटेड बच्चों के साथ आइएगा और मेरी एक चॉकलेट इनको देनी अभी भी पेंडिंग है तो वो मैं चॉकलेट जरूर इनको दूंगा. किशिका आपने कैसे बोला था बेटा? बोलो एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए. अच्छा मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, करोगे ना? बोलिए हाय गाइस, यू आर वॉचिंग एहसास आपके अल्फाज हमारे विद मी किशिका अरोड़ा. डू लाइक share, comment and subscribe this channel
for more interesting videos. Thank you. Thank you. And thanks to you. Thanks to you. तभी कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं. बच्चे बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं. और वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि आज जब हम इतनी सर्दी में इस एपिसोड को शूट कर रहे हैं और तब भी हम तीनों में से, हम चारों में से बल्कि ये लड़की सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. देखिए, है ना, आप स्ट्रांग हो ना किशिका, कैसे ऐसे करती है, गुड साइन ऑफ अपकमिंग मॉडल, है ना. हाँ. और आपको अब बात आती है इनकी अचीवमेंट्स की. तो किशिका, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? हाँ जी, which class? कौन सी क्लास में? In which class do you read? Nursery. और इसके साथ साथ आप क्या करते हैं? Modeling करते हैं आप? Yes. Modeling करते हैं. कैसे करते हैं बेटा modeling? Modeling तो बड़ी बड़ी जो वो girls हैं जिनकी height काफी ज्यादा होती है वो करती हैं. आप तो छोटे से हो, आप कैसे करते हो modeling? कैसे करते हो? ऐसे करते हो? अरे वाह. अच्छा, कौन कौन से आपने उसमें रिकॉग्निशन अवार्ड्स कौन कौन से जीते हैं बताइए, फिर आपको चॉकलेट देंगे हम. वो तो मम्मा बता सकती है, इनका तो काम ये होता है बस मुझे रैंप दे दो, आई कैन वॉक बस. प्लीज आप बताइए. शी हैज डन मॉम एंड मी सीजन 2, सीजन 3, और एक एक्ट्रेस बड़ी का किया था, इंडिया राइजिंग स्टार एंड दिल्ली किड्स फैशन वीक 2018 दे हैव डन. बहुत सारे फैशन शोज किए हैं, सब के लिए, ब्रांड के लिए ये प्रिंट शूट किए हैं, अमेजोन के लिए, स्नैपडील के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए. तो उसमें ये वीडियो शूट करते हैं, फोटो शूट, जो स्टिल फोटोग्राफी, ई कॉमर्स शूट्स होते हैं उनमें तो स्टिल फोटोग्राफी है, और इसके अलावा कुछ डिजिटल एड्स की है उसमें वो फुल शूट्स हैं वीडियोस. तो क्या क्या प्रिपरेशन करवाती है आप इनको? जब इन केस यू नीड नो प्रिपरेशन, यू बस आपने बस उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो वो एक्ट कर दे, आप उसको बोले ऐसे बोल दो, बाकी आप सामने वाले को कैप्चर करना है उसका राइट मोमेंट पे. किड्स के केस में तो इतना ही है. बिल्कुल बिल्कुल. तो शी टेक इंटरेस्ट, वो लेती है. ही हैज लेस इंटरेस्ट इन मॉडलिंग, ही इज ऑल्सो मॉडल बट ही हैज लेस इंटरेस्ट, शी हैज मोर. किशिका कुछ बोलो, जो व्यूअर्स आपको इस टाइम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर उनको बोलो क्या? कुछ भी, जो भी आपके मन में है. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू ऑल, एनीथिंग बोलो बोलो. अच्छा फ्लाइंग किस, अच्छा चलो फ्लाइंग किस कर दो. अच्छी, लव यू ऑल बोलो, लव यू ऑल. अरे वाह, थैंक यू. एहसास आपके, अल्फाज हमारे, बाय लोकेश गुप्ता. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू. Thank you.
अच्छा आप डांस भी करती हो किशिका? कौन से गाने पर? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अच्छा चलो ये बताओ। ये क्या है? डांस के लिए बोला है हमने, सोने के लिए थोड़ी बोला है। बताओ। अच्छा 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 यहाँ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अच्छा गाना तो बताओ मेरे को। कौन सा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अच्छा चलो ये बताओ, सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? बोलो। बद्री की दुल्हनिया। वो तो बद्री की दुल्हनिया है। बद्री की दुल्हनिया खेलन क्यों ना जाए? मेरे को क्या पता क्यों ना खेलन जाए। आप जाते हो खेलने? क्या खेलते हो आप? अच्छा अच्छा चलो ये बताओ, आपको सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन लगती है? जो आप टीवी में देखते हो ना, मूवी में देखते हो, सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन पूछो आप इस एज में? कार्टून पूछो। अच्छा कार्टून बताओ, कार्टून कौन सा अच्छा लगता है? बताओ बताओ। ये लो, मम्मा झूठ बोल रहे हैं। मम्मा कह रही है इस एज में आप इनसे कार्टून पूछिए और वो हमारा सबका कार्टून बना रही है कि मैं कार्टून देखती नहीं। Thank you.
अच्छा चलो, आपका फेवरेट, आप टीवी पे क्या देखते हो? सीरियल, कार्टून और मूवी, गाने, क्या देखते हो? अच्छा चलो ये बताओ, बोलो जल्दी बताओ, बताओ बेटू, फिर ये देखो। अच्छा चलो बताओ, जो जो भी आप, अच्छा टीवी अगर चलता हो तो आप क्या देखते हो ये बताओ? डोरेमोन देखते हो ना? और गाने देखते हो? सीरियल देखते हो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना, वो देखते हो? हंसी आती है आपको उसपे? कैसे हंसती है फिर किशिका? चलिए ये लीजिए। थैंक यू सो मच बेटू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, उसको देंगे जब वो भी कुछ अच्छा करेंगे तो उनको भी देंगे, है ना? अच्छा कलश, अब आपकी बारी कि आप बेटा क्या क्या चीजें करते हैं। आप जैसे मामा ने बताया कि आप म्यूजिशियन हैं, आप स्केटिंग करते हैं और आप बेबी मॉडल हैं, और क्या करते हैं आप? और मैं क्यूब बनाता हूँ। क्यूब्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये बताइएगा कि जो इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हैं बेटा? फ्लूट, कॉन्गो, गिटार, ओके, तबला, बताइए बताइए बताइए, ओके। कहने का मतलब ये कि लगभग हर तरह के आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं, ठीक है ना? तो आज इस खास प्रोग्राम में क्या आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए हैं कि जो हमारे व्यूअर्स भी ये देखें कि आप कितने टैलेंटेड हैं? फ्लूट लेकर आए हैं, चलो एक बार प्ले करके दिखाओ। और साथ में अपना वो जो क्यूब्स है ना वो भी निकाल लीजिए, उसको मैं बुरी तरह से उसको मैं मिक्स कर दूंगा। और उसके बाद कितने टाइम में आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट कर दोगे, सभी कलर सेम कर दोगे या मैक्सिमम 52 सेकेंड्स में, मीन्स लेस देन 1 मिनट? आपको और हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली फिर इनको भी चॉकलेट देंगे, ठीक है ना? राइट, चलिए कौन सा गाना प्ले करके दिखाएं, इंस्ट्रूमेंट पर जाके दिखाएंगे? टाइटैनिक यू, चलिए। रैपर के साथ नहीं खाते इसको, क्लैपिंग करो भैया के लिए। अच्छा प्ले किया ना भैया ने, अच्छा प्ले किया ना। टैलेंटेड दिखाना चाहते हैं तो ऑल 6 इंस्ट्रूमेंट्स ही विल प्ले ऑन ए मेडली ऑफ गुरु रंधावा, वी हैव प्रिपेयर्ड द पंजाबी सिंगर, द फेवरेट पंजाबी सिंगर, द मोस्ट टैलेंटेड, हां वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, तभी कहते हैं कि अगर बच्चों में आप एजुकेशन के साथ साथ अगर उनको कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी अगर आप उनको उत्साहित करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक्स में ही बच्चा अच्छा कर सकता है। जो भी उसका इंटरेस्ट है उसमें अगर आप उनसे करवाते हैं तो इस तरह से
बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में आप उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही जब ऑब्वियसली बात है कि जो बच्चे ऐसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं तो पेरेंट्स को, उनके सभी फैमिली को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को बहुत 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 खुशी होती है। अच्छा, ये जो आपने बोला था कलश कि इस तरह से आप इसको सभी कलर आप एक जैसे कर देंगे, जैसे इस तरफ सभी रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, वैसे आप उसको लगा देंगे। ये हमने अपनी तरफ से इसको जितना हम मिक्स एंड मैच कर सकते थे उतना हमने मिक्स तो कर दिया है इसको। उसके बाद आप थक गए? कहाँ कहाँ आपने प्ले किया है ये? स्कूल की तरफ से मैं फ्लूट में, तो रीजनल्स में मेरा सेकंड प्राइज आया था। देख के आराम से रिलैक्स। तो नेशनल तक तो मैं अभी गया हूं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सोशल साइंस का जो इनका एग्जीबिशन होता है उसमें आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स जाते हैं उसमें ही वाज सोलो प्लेयर फ्लूट, तो उसमें नेशनल लेवल तक ही है। बाकी जो दूसरे टैलेंट हंट्स होते हैं वो तो मैं उसमें भेजती हूँ उनको, जहाँ मुझे मौका मिलता है दे कैन शो देयर टैलेंट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो क्यूब्स हैं उन्हें कलश विद इन 52 सेकंड्स में इसको दोबारा से सेटल डाउन करके हमें दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ इस मोबाइल में स्टॉपवॉच 00 पर सेट कर दी है। कलश, आप इसको तब स्टार्ट करेंगे जब मैं कहूँगा। दोस्तों, आप भी इसको देख सकते हैं और विद इन 52 सेकंड्स में पूरा करेंगे। एक मिनट रुकिएगा कलश, मैं जैसे ही स्टार्ट बोलूंगा अभी और आप तब स्टार्ट कीजिएगा। 1, 2, 3। नाउ यू कैन सी कि विद इन 52 सेकेंड्स वो कितनी तेजी से इस क्यूब्स को दोबारा से सिंगल कलर वन साइड में सेट करते हैं। सो यू कैन सी कि कितने दिमाग का, हाथों का, सबका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। पूरा फोकस उस टाइम पर आपका इसके ऊपर होता है कि किस तरह से कौन से कलर को आपने कहां पर ला करके सेट करना है। एंड दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि इस एज में वो किस तेजी से अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेशन से कंप्लीट कर रहे हैं। गुड, 52 सेकंड्स के आसपास ही। नॉट बैड, वेरी गुड। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी वेल डन। तो अब इनको भी चॉकलेट देनी बनती है ना, है ना? ये चॉकलेट आप भैया को, वेरी गुड। और ये आपकी चॉकलेट, ठीक है? ये मेरी, आप नहीं दोगे मुझे ये चॉकलेट? अच्छा चलो, मम्मा को दो। मम्मा वाली भी आपके पास? अभी अभी तो पापा मिल गया। ठीक है, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स तो होते ही हैं, कलश के तो होते हैं, शी इज स्मॉल, बाकी वो स्कूल के जो पार्टिसिपेट, जितने भी फंक्शंस होते हैं शी पार्टिसिपेट। जी,
इसका अब सोशल साइंस एग्जीबिशन में भी जाएगा ही लास्ट ईयर की तरह नेशनल से आगे भी जाने का विचार है तो अभी इसने हंसधुनी राग तैयार किया है उसके लिए ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट फ्रॉम अभी से ही शुरू किया हुआ है बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट राग सिक्स ईयर में होता है लेकिन बिकॉज ही मतलब टीचर को भी पता है शी विल ही विल डू तो वी हैव स्टार्टेड इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कलश आपका क्या विजन है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं बट यू हैव सो मेनी ऑप्शंस कि आप म्यूजिक में जा सकते हैं स्किट्स में जा सकते हैं आप मॉडलिंग आप ऑलरेडी कर रहे हैं ठीक है ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट हाँ जो मम्मा के सपने हैं उनको आप पूरा कर रहे हैं दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो आप कर रहे हैं आपकी अचीवमेंट से जो मम्मा के चेहरे पर जो स्माइल आती है उसको आपने हमेशा बना के रखना है ठीक है ना आपने मम्मा को सपोर्ट करना है उनके सारे सपनों को आपने पूरा करना है ठीक और किशिका किशिका उधर देखो वो देखो सभी आपको देख रहे हैं सीधे इन द कैमरा से हैप्पी न्यू ईयर अच्छा हैप्पी न्यू ईयर बोल दो अच्छा बस एक बार बोल दो सबको हर बार आपको थकने में फिर एक चॉकलेट भी तो मिल रही है ना तो बड़ी जल्दी थक जाते हैं अच्छा एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोल दो फिर खत्म कर रहे हैं And she has also worked for Hopscotch brand in Times Fashion Week very last good, year. Very good, excellent. And this year also, see mm-hmm. what opportunities mm-hmm. we get. Definitely, definitely. Kalash has, जो मैंने बताया regionals में तो flute के लिए जा ही रहा है. जी जी. Sports के लिए भी हर साल अपनी team को lead करता है skating में. Okay. Last year he won 3 golds in all the 3 races. अरे वाह. In regionals. Really. But nationals he could not win because On the last day, he fell down on road while doing practice. Wow. So, he could not win. So, this year, we are with full zeal. In April, definitely. Wish you all the very best. So, this year, we want a national medal also. Definitely. And we would like to invite you all again to our program. And in truth, today, it was very good for us to meet these nanne-munne kalakaron se mil karke. जो अभी से इस चीज में इतने इन्वॉल्व हैं कि जैसे हमने देखा कि ये जो क्यूब्स हैं इसे मुझे मिक्स करने में इतनी दिक्कत हुई थी कि जितना उनको उसको दोबारा से सेटल करने में उसको इतनी दिक्कत नहीं हुई और जिस तरह से उन्होंने फ्लूट को प्ले किया और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं तो वाकई काबिल तारीफ है और इतनी सर्दी में जबकि इस वक्त टेम्परेचर आज मेरे ख्याल में 3 या 4 degrees टेम्परेचर है उसमें अगर ये गुड़िया इस झील के साथ बैठी है कि हाँ मैं बेबी मॉडल हूँ मम्मा ने इनको जैकेट पहनाई थी बट उन्होंने उसको रिमूव कर दिया कि नहीं मैं बेबी मॉडल हूँ मैं ऐसे बैठूंगा मुझे ठंड नहीं लगती आपको ठंड नहीं लगती हाँ स्टील बॉडी है आपकी हाँ क्या खाते हो बेटा चॉकलेट्स और मीनाक्षी जी जैसा हमने बताया आपने व्यूअर्स को भी कि आप जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट हैं तो व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रोफाइल फार्मासिस्ट जो है फार्मासिस्ट टू डील्स विद मेडिसिन तो मेडिसिन आप बाहर के देशों में जाएं फार्मासिस्ट की वैल्यू डॉक्टर से भी ज्यादा है जी जी. लेकिन हमारी कंट्री में नोबडी नोज व्हाट इज अ फार्मासिस्ट दे नो कंपाउंडर दे नो केमिस्ट ओनली हमें केमिस्ट ड्रगिस्ट फार्मासिस्ट वो सभी हमारे लिए एक ही होते हैं जो नोमेनक्लेचर ले मैन को पता है वो पता है एक तो केमिस्ट जहाँ से वो दवाइयाँ ले रहा है हाँ। और या फिर कंपाउंडर जो हॉस्पिटल में बैठ के आपको दवाइयाँ दे रहा है बट हमारा प्रोफाइल उससे बहुत ज्यादा होता है ड्रग का पूरा इंटरेक्शन पेशेंट को समझाना किस बीमारी में कौन सी दवाई क्या डोजेज होनी है वो सब हमारा प्रोफाइल है जी। लेकिन एक लेमैन को एक डॉक्टर पता है और एक नर्स पता है तो हमारा जो हम ओवर मतलब अंडर एस्टिमेटेड ही हैं हम पब्लिक अवेयर नहीं है तो मैं ये भी चाहूंगी आपके प्रोग्राम के माध्यम से फार्मासिस्ट की भी इम्पोर्टेंस को वो पहचाने आपको दवाई तो कोई भी उठा के दे सकता है डॉक्टर भी दे सकता है नर्स भी दे सकता है नाम पढ़ के तो कोई भी दे सकता है लेकिन वो दवाई कहाँ असर करेगी किस अलग किस चीज के साथ आपको खाने से नुकसान करेगी किससे नहीं करेगी और रिएक्शन क्या है वो हम ही बता सकते हैं एंड ड्रग्स आर नॉट नॉर्मल कॉम्बिनेशन की आप कहीं से भी ले लो और कुछ भी खा लो तो यू शुड बी पब्लिक शुड ऑल्सो बी अवेयर फॉर हिज हेल्थ केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ और फार्मासिस्ट के अलावा किसी से भी दवाई ना ले बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जब खांसी जुकाम कोल्ड कफ होता है या हेडेक होता है
कुछ भी होता है तो हम मेडिकल शॉप पर जाते हैं और कि भैया ये चीजें हैं और आप हमें मेडिसिन दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम डॉक्टर की उसको ओपीडी को हम अवॉइड करते हैं और डायरेक्ट हम जाकर के कि चलो ठीक है कफ एंड कोल्ड है, फीवर है, तो हम जाकर के सीधा उनसे मेडिसिन ले लेते हैं। बिल्कुल। और एक चीज है ड्रग अब्यूज, जो हम इंडिया के लोग हैं दे वांट कि दवाई हम खाएं, जबकि हर दवाई एलोपैथिक में एवरी मेडिसिन इज अ साइड इफेक्ट, इवन ए टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल। तो हम लोग खुद फार्मासिस्ट होके बहुत रेयर केस में मेडिसिन उठाते हैं जहां मेडिसिन के बिना काम ना चले, लेकिन पेशेंट जो आता है उसको जब तक गोली नहीं मिले उसे लगता है कि दवाई तो देनी में क्या करना है, डॉक्टर है इन्होंने दवाई दी है। तो वो ड्रग अब्यूज है जहां एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं है, आपको खाना है, अगर कफ के लिए आया तो आपको एंटीबायोटिक खाना है, जबकि कफ कोल्ड ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां होती हैं जो अब कुछ टाइम के बाद अपने आप भी ठीक हो जाएंगी, आप कुछ भी ना लें तो भी ठीक हो जाएंगी। अगर हम अब नहीं देंगे एंटीबायोटिक तो उनको लगता है बेकार डॉक्टर, या मैं मना करूंगी कि आप मत लो मेडिकेशन, ऐसे ही ठीक हो जाओगे, आप किस लिए बैठे हो, आप दवाइयां ही देते क्या कर, तो बैठे तो दवाई देने के लिए और मना कर रहे हो आप दवाई मत लो, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो ड्रग अब्यूज भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, एक तरह की एडिक्शन हो जाती है कि जब तक दवाई नहीं लेंगे हम ठीक नहीं होंगे, मेंटल मेंटल ब्लॉक लगा लीजिए आप, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि मैंने दवाई खाई तो मैं ठीक होऊंगा और नहीं खाई तो मैं नहीं होऊंगा। लेकिन ड्रग अब्यूज अभी अगर हम आज से 15-20 साल बाद देखें, इतना ड्रग अब्यूज हो जाएगा, इतना रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा कि कोई दवाई असर ही नहीं करेगी, देन एक ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है कि बायोलॉजिकल डेथ्स, क्योंकि बीमारियां होंगी एंड आप वो ट्रीट नहीं होंगी बिकॉज यू डोंट हैव मेडिसिन। उस चीज से लेमैन तो अवेयर है नहीं, लेकिन हम समझाते हैं तो वो समझते नहीं है, तो मे बी वो इस चीज को समझे, दवाइयां जहां तक हो सके कम से कम एलोपैथिक तो कम से कम, अदरवाइज ऑल्टरनेटिव है होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक, दे आर मच बेटर सिस्टम, तो उसकी तरफ जाएं और फार्मासिस्ट की इम्पोर्टेंस भी समझें। तो बहुत अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि किस तरह से ड्रग्स को हम कम से कम इस्तेमाल करके भी, दवाइयों का कम से कम सेवन करके भी हम फिट एंड फाइन रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी आपसे मिलकर, और कलश आपसे भी, और किशिका नटखट नॉटी गर्ल आपसे मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपको लगा अच्छा है, क्या बोलोगे फिर सबको? थैंक यू, बाय बाय, लव यू, सी यू ऑल। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आप भी ये समझते हैं कि आपकी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और आपके बच्चे भी इस तरह से आपके ड्रीम्स को पूरा करने में सक्षम हैं और वो किसी ऐसी एक्टिविटीज से खुद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरे जोशो खुरूस के साथ लगे हुए हैं, तो इस मंच पर आपका स्वागत है। इसी तरह से इस कार्यक्रम को देखते रहें, हमसे अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहें, इस प्रोग्राम को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें अपनी प्रोफाइल भेजें। मेरा फेसबुक आईडी है एंकर लोकेश गुप्ता और साथ में जो हमारा ईमेल आईडी है वो है gupta.lokesh18@gmail.com। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतना बढ़िया इंटरव्यू देने के लिए और इतनी अचीवमेंट के लिए थैंक यू सो मच, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर न्यू ईयर with new achievements. Thank you so much. Clapping. Say bye-bye. Bye. Thank you so much, guys. See you soon.
Thank you.